अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत कैसी है? ये ऐसा काम ना क्या करे, कल भी मैंने लाइव की थी नाइट में तो एक की वाचिंग हुई, फिर जीरो की हो गई, तो अभी भी एक की वाचिंग हुई है। तो ना कमेंट्स किया ना लाइक किया, फिर चले गया। पत्नी कौन है, प्लीज़ थोड़ा ठहरा करें। कुछ दिनों बाद जो है ना, कई दिनों बाद मैं वाइटी पे आ रहा हूँ। मोबाइल ना होने की वजह से ना आपको सपोर्ट कर पाया और ना खुद की लाइव ना वीडियो बना पाया, प्लीज़। और रात हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो रात से अभी तक जो है ना लाइट नहीं है हमारे यहाँ। इस टाइम मोबाइल की बैटरी भी 20% है, प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें डब्ल्यू टाइम की ज़रूरत है। प्लीज़ की मैसेज जो भी है मेरे साथ वीडियो लाइक को लाइक चार्ज कर रहा है। हाँ कितना बड़े पैर अम्मी तो दी है बेड़ी है, है? अम्मी दे सके, अम्मी थोड़ी दही ही बेटी है। रोटी कौन खाती जमी जमीन शैल लगे होते हैं, है? रोटी कौन खाती, रोटी कौन खाती? प्लीज की मैसेज कह रहा
वन की वाचिंग होती है फिर जीरो की हो जाती है। अल्लाह अकबर। अगू कैंची में काप निकला आज मुंह में चिलन आ रहा फास में कैंची में काप तू ला दे काट काट दे मुंह में बराबर कर दे बराबर कर दे इतने टूट गए ना बना भाई कैसे हो? ठीक हो? तबीयत कैसी है? अरे भी क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो रात बारिश हुई, आज बादल है और अभी तक लाइट भी नहीं आई। और से है पली भाई पलेटा। अली भाई अभी ये भाई जा रहा है, भाई का मोबाइल लगा हुआ था यहाँ पे ट्रैक्टर पे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ वहाँ पे ट्रैक्टर पे लगाता हूँ मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, दुआ है आपकी, आप सुनाए आप कैसे हैं? देखा है तो उसे बोला नहीं, वो बोल रहे थे क्या आ गई मधवाल क्यों है? है वाल क्यों है? उन्हें पूछा गया और सुना अली भाई एक मिनट कर, मैंने आपको ब्लू दे दिए हैं तो आपका मैसेज आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको ब्लू मिल चुका है। कल मेरे फुफड़ की डेथ हुई थी परसों रात, कल उसका जनाजा था, अभी जो है ना उसकी सकमे खुलकानी और सब वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं इस टाइम अकेले बैठा हूँ घर पे, तो मैंने सोचा चलो आप बहन भाइयों से थोड़ा गपशप कर लें। तो कई दिनों के बाद जो है ना मैं वहीं पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं था, पहले 3 महीने नहीं था, फिर 10-15 दिन मोबाइल यूज किया, तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मोबाइल जो लिया था ना न्यू, 10-15 दिन बाद वो क्लेम के लिए देना पड़ा, तो जब वो मैंने दिया तो फिर मार्जान के महीने में भी ना लाइव कर पाया ना वीडियो बना पाया, बस कभी कभार भाई के मोबाइल से ना सपोर्ट करता था, वीडियो बना लेता था। तो अभी जो है ना मुझे ईद के दूसरे दिन मोबाइल मिला है, मुझे बुखार है पिछले 2 दिनों से, तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह आपको सेहत दे। तो मेरे साथ भी 2 दिन जो है ना मार्जान के आखिरी 2 रोज़े मैंने नहीं रखे, मुझे बुखार हो गया था, गला ख़राब था, अभी बुखार तो ठीक है, बुखार तो नहीं है लेकिन गले में खराश होती है, दर्द होता है अभी भी। तो आपका चैनल कहाँ पहुँचा ले भाई? Mm-hmm.
चुप कर कर चुप फर रात ली उदान मकसद क्या होता है मुखलस लंशारी भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हो मेरे भाई जान ठीक है तबीयत से कैसी है ना कर मुखलस भाई कह रहे हैं लाइक डन ओके थैंक यू मुखलस भाई मैं आपको ब्लू कर रहा हूँ ये ले मैं तो ईद वाले दिन बारिश में भीग गया था इसलिए बुखार हुआ ईद वाले दिन बारिश हुई थी आपके यहाँ हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ मौसम ठीक था तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है और अभी बादल है अब अभी चली और सर्दी लग रही है ये तो थोड़ा वेट कर मैं आपको आगे अपने यहाँ शहतूत दिखाता हूँ ये मैंने अभी थंबनेल में भी लगाया हुआ है थोड़ा हाथ पे लेके ना नप यार नहीं लगता यार निकल देनी बुखार जेनी शायद इधर मैं कुछ है सुनना नमाज के टाइम जोरों से बारिश हुई थी हमारे यहाँ अच्छा हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई तो हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल ठीक था तो आज सुबह बारिश हुई है तो इस वजह से अभी थोड़ा सर्दी लग रही है ना यहाँ पे आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे तो ये देखे ये भी बादल है देखे तो मुखलस भाई आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर देना उस पर ना अगर आपका चैनल आए तो फिर आपको मैं रिटर्न कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है ये देखें मैंने तो नमाज भी पूरी बारिश में पड़ी अच्छा माशाल्लाह तो यहाँ देखें ये भी इसको सर्दी लग गई है ये कांप रहा है ये देखें सर्दी से यहाँ पे ये देखे शहतूत तो
ये देखे मैंने, ये भी खा रहा हूँ। ये देखे तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ, ये देखे। आपने खाने तो आ जाए। रमजान में मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की, भाई के मोबाइल से बनाई थी। तो उस टाइम फिर जो ना मैंने इसको तोड़े थे लेकिन खाए नहीं, क्योंकि रोज़े थे ना मुझे, रमजान था। मीठे हैं क्या? हाँ मीठे मीठे, ये देखें बहुत मीठे हैं, मज़े के मज़े के। क्या आपने कभी खाए नहीं है? ये तो छोटे और बड़े भी होते हैं, जैसे जितनी लंबी उंगली होती है ना इस तरह के भी होते हैं। ये देखें, ये मैंने हाथ पे लगाया, ये देखें हाथ भी कैसे हो गया। ये देखें इसका कलर जो निकलता है ना, हाथ भी ब्लैक हो जाते हैं ना इसी तरह। अखिलेश भाई ये देखें, अले भाई देखो, और दूसरे दो कलर के भी होते हैं ना, ये एक सफ़ेद भी है, वो आपको सफ़ेद भी दिखाता हूँ। तो फिर आपने बहुत बार खाया तो फिर क्यों पूछ रहे हैं मीठे हैं क्या? तो आपको पता है मीठे होते हैं ना ये, तो फिर कड़वे तो नहीं होते ये, शहतूत अच्छे होते हैं। हाँ आप पहचान गए हैं। तो एक मैं आपको ये चीज़ दिखाना भूल गया, यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, ये देखें ईंटें, यहाँ पे हमारी होती हैं प्लेटें, सोलर प्लेटें, फ्रेम तो है नहीं, तो बारिश की वजह से फिर हमने इसको उतार लिए, प्लेटें अंदर रख दी हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा लूँ, ये रहा ट्रैक्टर, ये 92 मॉडल, अच्छा आपने बड़े वाले भी और ये वाले भी खाए हैं, सही है। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा भाई ने उतार लिया है, तो यहाँ पे भाई ने मोबाइल लगाया होता ना, अभी लेट नहीं थी। ये देखें, ये देखें ये लगा हुआ है चार्जर, लेट ना होने की वजह से फिर भाई ने उतारा था। यहाँ पे भाई ने मोबाइल लगाया रहा चार्जिंग पे, ये वाली चीज़ भाई ने उतारी है वहाँ से, ये देखें। नहीं खट्टे नहीं होते भाई, खट्टे नहीं होते, खट्टे वो होते हैं जो कच्चे होते हैं, खट्टे वो होते हैं जो कच्चे होते हैं, वही खट्टे होते हैं, बकाया पक्के जो होते हैं ना वो खट्टे नहीं होते। हाँ कैसे दिखाऊँ? फिटर दिखाऊँ? घर ना लताड़। ये है हमारा बोर,
तले रे तले चिकाड़े भेज दे वो दिनते दिनते नहीं चला मेरे बच्चे ना ले मेरा भी इतने साइकिल ना करिए यहाँ पे हम मोटर फिट करते हैं ऊपर अली भैया देखें ये कुआ है बहुत नीचे और यहाँ पे हम ट्रैक्टर लगाते हैं यहाँ पे इस साइड पे और यहाँ पे हम मोटर लगाते हैं आप सोलर सिस्टम वाली ये देखें बाहर के नज़ारे घास वाली फोन देखो दिखा यहाँ पे गंदम भी आप देखें गंदम भी तैयार हो चुकी है अभी थोड़ी थोड़ी जो है ना साफ जाए तो इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों बाद कटेंगे तो ये रे सफेद ये वाला सफेद चितूत ये आपको भी तोड़ के दिखाता हूँ हमारे यहाँ नहर का पानी नहीं है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आ चुके हैं लेगन अस्सलाम वालेकुम अली हमजा वालेकुम सलाम कैसे है मेरे ब्रदर क्या हो रहा है ये देखे मैं यहाँ पे चितू तोड़ रहा हूँ दे दिखाओ मैं दिखाऊँ आओ जी जिसने खाने तो आ जाओ अली हमजा भाई मुखलिस भाई अली भाई आ जाओ ये देखें ये वाले सफेद है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोर से पानी पूरा हो जाता है हमारे यहाँ इनको थोड़ा पार्सल करवा कर मेरी तरफ भेजो ओके मेरे ब्रदर भेज देंगे इंशाल्लाह एड्रेस भेजो व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे मैं देखें ये इसका जब तोड़ते हैं ना तकरीबन इसका 7 से 8 घंटे का होता है इसका रहना नहीं तो उसके बाद इस ख़राब हो जाते हैं ना इसका जेका चेंज हो जाता है ओए कर ये वाले सफेद है ये देखें जिसने खाने हैं तो आज जो ये देखें हाथ मेरे काले हो गए देखें ये मैंने वहाँ से ब्लैक शतू तोड़े हैं ना तो उसकी वजह से हाथ काले हो गए ये देखें ये वाले सफेद हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं ब्लैक लेकिन ये बहुत ऊपर है ये
निशान खूब चला चारा बन काफी आते हैं हाँ क्या करे तो ये सब बच्चे खाते हैं मैं इस शाम जलम शहर में हूँ इधर भेज दो आप अपना लड़का बताओ कौन सा है फिर मैं आपको सफर बताऊं कितने घंटे का है मेरा ब्रदर अली हमदा मेरा जो है ना जिला लिया है सिटी करो लाली सन जानते हो मैं इस टाइम जेलम शहर में हूँ ओके ब्रदर ओके मैं इधर सिटी जिला हमारा सिटी करो लाली सन और जिला लिया लिया और बखर का रोड एक ही है हम लिया से 30 किलोमीटर दूर हैं और बखर से हम 44 किलोमीटर पीछे हैं और 30 और 46 बनाने 76 किलोमीटर है यानी 30 किलोमीटर लिया से दूर हैं और जो है ना बखर से हम 46 किलोमीटर हैं और फतेहपुर से हम आपको बता दें 28 किलोमीटर जी हमारी जो लेबर काम करती है वो नहीं है शहर के लड़के इस टाइम घर गए हुए हैं अच्छा तकरीबन 9 घंटे के रास्ता है ओके तो ऐसे गूगल पे पता चल जाएगा ना भी कितना सफ़र है ये देखिए ये वाला ये सफेद शतूत है ब्रिक देखें ये देखिए तो इसको ऐसा होता है कि इसको तोड़ के फौरन खाया जाता है ना तो इसको बाद में जब तोड़ते हैं तो इसका पान निकल आता है ना तो फिर इसको फौरन खाना पड़ता है इसका छिलड़ वगैरह तो होती नहीं है छिलकी तो ऐसे हाथ लगाया तोड़ा और मुंह में डाल दिया बस ऐसे तोड़ के रखेंगे फिर खाएंगे तो वो मज़ा नहीं करता देखिए ताज़ा खाएं ताज़ा ये देखें ये किस तरह पानी निकल रहा है ये देखें और आज बारिश भी हुई है मुझे तो जीरो की वाचिंग शो हो रही है ये देखें आपको शतूत के पत्तों से भी पता चल रहा होगा कि इस पे पानी खड़ा हुआ ये देखें ये आज सुबह बारिश हुई है वकास कश्मीरी भैया आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वकास भी कैसे हो ठीक हो तबीयत कैसी है मैं तकरीबन 1 मंथ के बाद अपने मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ एक बार दो बार तकरीबन लाइव भाई के मोबाइल से की थी ये देखें मेरे ब्रदर सर्दी लगी है सर्दी में मैं ना हाथ भी थोड़ा काम पर है ना सर्दी लग रही है बहुत ठंडी हवा चली हुई है ऐसे बंदे को महसूस हो रहा है कि बंदा कोट पहन ले जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें यहाँ पे मेरे पास 4 बंदे आए थे लेकिन लाइक 3 मिले हैं मुझे किसने लाइक नहीं किया मुझे लगता है कि मुखलस भी चले गए बोतल
अभी 3 की वाचिंग है, 3 लाइक है, फिर 1 की वाचिंग। ये नेट का मसला बार बार आ जाता है। ये देखिए, ये सफेद वाले शेतूत हैं। वकास भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई ठीक ठाक, आप सुनाए। वकास भाई आपको मैं से मिले थे कि नहीं? व्हाट्सएप पे मैंने जो आपको सेंड किए थे, मुझे थोड़ा ना डाउट हो रहा था रात, तो 2 कश्मीरी थे मेरे पास, वकास कश्मीरी। आपका लाइक कब मिला जी? मैं से आए थे आपका, मुझे अच्छा। अली भाई ओके ओके, अली हमजा बल्कि अली भाई ओके, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। ओके अल्लाह हाफिज, आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप अभी तक चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास रात तो बारिश थी, फिर उस टाइम से बिजली भी नहीं है, तो ख़ास व्हाट्सएप मैंने चेक नहीं की। बस YT पे लगा हुआ था, कमेंट देख रहा था, सपोर्टिंग दे रहा था, बस उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। असा नाल नाल जी, अस जिया नाल नाल हैं, थोड़े नाल हैं असा जी, असी नाल नाल हैं थोड़े भाई। अच्छा, इनके अभी तक एड नहीं किया, अभी करेंगे। ठीक है ठीक है, आप मुझे ये बताएं, वहाँ पे मुझे 2 YT पे मिले हैं कश्मीरी भाई। एक का नंबर है जैज का, उसके पे एंड पे 180 है, और दूसरे का नंबर है 343 वाले के, 45 वाला टेलनार का है। आप टेलनार वाले नंबर से थे या जेज वाले पे, मुझे ये बताएं। ओके, वाच करेंगे इंशाल्लाह भाई, अभी तो लाइव चल रही है, अभी तो आधा घंटा हुआ लाइव को। मैं तो डेली 2 घंटे लाइव करता था, जब से मोबाइल गया तो उस टाइम से मेरी लाइव भी नहीं हुई, नहीं तो मेरी डेली की लाइव 2 घंटे होती थी। अच्छा, यानी कि आपका 45 वाला टिलनार वाला, ठीक है ठीक है, समझ गया। तो आपको मैंने कल कॉल भी की थी, 712 वाला नंबर है मेरे बहन मेरा। ओके मेरे भाई ओके, बिजी होके कॉल करना, थैंक यू। ये मेरा लेमन का दरख्त है, तो आप कल क्या कर रहे थे लाइव में ना, भेड़ बकरियां चरा रहे थे क्या? वो अपने आप के थे या किसी और के थे? नकार है, पानी तेरे लग गए।
बाकी बंदे चले गए भाई। खाई नू खड़ गई पर सारे सारे पुतले दिखा दिए काट है लिखी वो लाइव एड नहीं है हुई कल वाली। क्या मतलब एड कैसे नहीं हुई मुझे ये बताएं। पता नहीं क्यों क्या मसला है हो गया था। क्या मतलब ये एड नहीं हुई आपके यहाँ? मैं समझा नहीं आपकी बात। आपकी लाइव इनकी जो आपने की थी वो आपके चैनल में अभी तक शो नहीं हो रही यानी कि ऐड नहीं हो रही। वो ऐड हो जाएगी इंशाल्लाह उसकी टेंशन ना लें क्योंकि अगर लाइव के दौरान मोबाइल भी बंद हो जाए ना वो लाइव ऐड हो जाती है। अगर आपने लाइव स्टार्ट की है ना कल तो अगर वो लाइव आपकी दिन 2 बजे से पहले चल रही होती ना तो फिर वो शाम को ऐड हो जाती। तो अगर वो आपने जो नाइट में की थी ना वो तकरीबन आज 2 बजे से पहले तक आपकी लाइव आपके चैनल में ऐड हो जाएगी। टेंशन ना लें। वो नजर ना आवे खुशी है ना हो गया था। सही है सही है। तो मोबाइल में मस्त इशू होगा ना कि फिर ऐसे तो एरर नहीं होता। तो आज चेक करना आपको लाइव में वो नजर आएगी वीडियो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे एक दाना खड़ा हुआ है अमरूद का वो भी शायद पका हुआ है। तो ये देखे एक दाना खड़ा हुआ तो ये आज पका हुआ है। ये देखे एक दाना खड़ा हुआ था वो भी पका हुआ है अमरूद का। ये देखे नहीं मोबाइल न्यू है महंगा मोबाइल है मैं चेक करूं। अच्छा कौन सा मोबाइल है आपके पास? नजर तो नहीं आंदे देखो नजर आना नजर तो नहीं आने का। कौन कौन सा मोबाइल है आपका मुझे ये बताएं। ये खराब भी है ठीक है। अच्छा रेडमी 12G रैम 8 नेट की 154 MB। अच्छा 8 RAM और 156 GB। तो मेरा जो है ना ये 6 GB RAM और 128 GB मेमोरी है इसकी। थोड़े यार क्या खाते मजा तो मेरा मोबाइल है वीवो Y17 मैंने लिया था मार नाम से पहले 10-15 दिन चलाया। उसके बाद जो है ना वो मोबाइल का इशू हो गया था इसमें बैटरी इशू हो गया था। फिर मैंने क्लेम के लिए दिया था मार नाम से पहले तो फिर मुझे कल मिला है ईद के तकरीबन दूसरे दिन मिला है मुझे मोबाइल। शुक्र
लुकास भाई ले देखते आपके सामने हो अभी। सर्दी बहुत है यार, ये देखिए मौसम भी आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखे बादल है, तो आज सुबह बारिश हुई थी, आज हवा भी चली और सर्दी लग रही है। अच्छा अच्छा क्या हुआ, आप ठीक है? नाइस जी, अच्छी। मैंने सोचा चलो भाई को दिखा दिया अपना चेहरा। और सुना, तो ठंड यहाँ भी बहुत है ना? तो इधर यहाँ सुबह बारिश हुई है, तो अभी इस टाइम यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है ना। ऐसे ऐसे बस करता है, ऐसे कपड़ा पहने, कोट पहन ले। तो ये रहा मेरा आम, ये देखे, ये इस साल इसने फल नहीं उगा, इस पे ये देखे इसने शाख निकाली है। जो यहाँ पे ये शाख निकली है ना, ये भी कलम है, ये मैंने कलम की थी तकरीबन 5-6 साल पहले खुद की थी यहाँ से ना, और ये सेड भी कलम है। ये देसी आम है, इस पे लगे हुए हैं कलमी शाख है। तो इसके साथ ये रहा सुहाने का दरख्त, जो इस टाइम मैंने काटा था, और यहाँ पे जामन का दरख्त है, और साथ मीठी, और ये साथ में आम का दरख्त है। और इसके साथ ये रहा आम, यहाँ पे थोड़े थोड़े फल लगे हुए हैं, इसको पहला साल है। तो इस पे जो आम लगे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, यही दाने लगे हुए हैं इस पे, ऊपर हैं लेकिन वो देसी हैं। ये यहाँ पे कलम लगी है ना, यहाँ पे ये कलम है और ये कलम है, ये कलम इस तरफ आ रही है और ये कलम इस तरफ आ रही है और इस तरफ आ रही है, और ये यहाँ पे भी जा रही है। ये देखें इसके ऊपर भी हैं। तो यहाँ पे जो आपको बैग नजर आ रही है, ये बंदे जा रहे हैं यहाँ पे। ये जा रहे हैं, वहाँ पे गंदम है मेरी, यहाँ घर से यहाँ से पानी जाता है ना, यहाँ से पानी जाता हुआ यहाँ से ऐसे उस तरफ रोड की तरफ पानी जाता है। अभी ये मीठी का दरख्त है, इस पे मीठी आपको दिखाता हूँ, मीठे यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहे ना, छोटे ब्रीक दाने होते हैं ना। यहाँ पे कैसे दिखाऊं, हट खड़ा ये
ये देखिए, ये बहुत बारीक है इसलिए नजर भी नहीं आते ना खास। ये देखे, ये दो दाने यहाँ पे इस टहनी पे लगे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ओ ये देसी है, मैंने लगाया था इस पे, फिर कलम करेंगे। ये देखे, इसने भी फल निकाला हुआ। ये देखे यहाँ पे और सुने आशे भाई कैसे हो, ठीक हो, तभी कैसी है आप? तो इसके मैं जा रहा हूँ फिर अपने घर, वहाँ पे मोबाइल को साथ चार्जिंग पे लगाता हूँ। 23% बैटरी बची हुई है। क्योंकि लाइट आई नहीं रात से, जब बारिश हुई थी उस टाइम से लाइट भी गई है, अभी तक नहीं आई वापसी। पहले लाइट जाती भी नहीं है, लोड शेडिंग नहीं होती, तो आज बारिश की वजह से ना चली गई, कहाँ के मसला हो गया है पता नहीं, तो इस वजह से अभी तक नहीं आई लाइट। एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा लेके आता हूँ चार्जिंग, यहाँ पे ट्रैक्टर पे लगाएंगे। अच्छा, आपकी भी लाइट स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह। एक मिनट, 11 बजे। ओके ओके ओके, मेरे भाई आएंगे, थोड़ा वेट करें, मैं चार्ज उठा के आता हूँ। जाना नहीं है आपने? तो ये देखे, मैं थोड़ा गाय खड़ी हुई थी उसके नीचे रेत बिखेरने गया था, छटा देने गया था ना, तो वहाँ पे बारिश हुई थी ना, इसी वजह से पानी खड़ा हुआ था। मैंने सोचा चलो उसके पर थोड़ा नीचे ना रेत का छटा दे दूँ। कौन है दूसरा प्लीज की मैसेज? ये रहा मेरा चार्जर, आकाश भी ये चार्जर है, और इसको मैं अभी लगाने वाला हूँ यहाँ पे ट्रैक्टर पे। लाइट आया नहीं, देखते हैं फिर कैसे दिखा। तो
ये ला एक ला अभी 5 लाइक हुए थे, लाइक पे चला गया और 2 की बात हुई थी वो भी चला गया। कौन आया था मेरे पास ऐसा ना क्या कहे प्लीज चले खड़ यार तू क्यों चढ़े आना उधर हाँ तो देखते हैं मोबाइल होता है कि नहीं। दूसरा मोबाइल तो हो रहा था चार्जिंग। हाँ लग गया चार्ज इसको हो रहा है। इसको बना रहा था अच्छा। और सुना वकास भी कैसे हो? ठीक तबीयत कैसे है आपकी? तो वकास भाई आपका असल जगह कौन सा है? तो इस टाइम तो आप कश्मीर में हैं, तो आप कश्मीरी वाकई हैं या रिहायशी हैं? वाकई मकामी या रिहायशी? न कर ढे पूछी छोड़ी को छोड़े ना पे खड़। अभी 0 की वाचिंग शुरू हो रही है। वकास भाई चले गए हो क्या? आपके मैसेज नहीं आ रहे। ले ले
थोड़ा बता के तो बना जाता है ना, खास भी आपने बताया भी नहीं भी आप जा रहे हैं। ओके हाफिज, अभी एक घंटा हो गया है तो लाइव स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, थोड़ा वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे। ओके हाफिज़।